सीएमई इंटर कॉलेज इसी के अंदर से लगी एक रोड गई है, जहाँ पे सीएमपी डिग्री कॉलेज की सीएमपी डिग्री कॉलेज के लॉ फैकल्टी है, उसकी रोड इतनी खराब है। उसका नाम गोबर गली था, उसका नाम गोबर गली से बदल करके नौनिहाल गली कर दिया गया है, लेकिन उस पर विकास अभी तक कुछ नहीं हुआ। लगातार डीएम को मेयर साहिबा को चिट्ठियाँ लिखी जा रही है। हमारी छात्राएं जो पैर स्लिप कर गया है, स्कूटी स्लिप कर गई, जिसमें से भी एक छात्र को हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करके आए। रोज डेली चार छात्र छात्राएं गिर रहे हैं, पैर टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, कपड़े गंदे, लेकिन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण हो, मेयर है, डीएम साहिबा को गली नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ पे लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं सर, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ मेयर साहिबा भी सिर्फ और सिर्फ जो है बैनरों पर स्वच्छता का जो है जुमला फेंक रही है। मेयर साहिबा का भी जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। हमारी मांग ये कि तत्काल प्रभाव से सीएमपी लॉ फैकल्टी की रोड है उसको तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, और उसमें जो गंदगी है उसको निकाल बाहर फेंका जाए, क्योंकि वहाँ पर शैक्षणिक संस्थान है, वो कोई शैक्षणिक संस्थान से शिक्षा की मंदिर में व्यवस्था नहीं चाहिए। मोहम्मद नसीम अंसारी, छात्र नेता, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज। चलो और भैया वो कर रहे हैं, हम लोग करने दे रहे हैं, इसीलिए जो चक्का जाम किए हुए उनकी जो रास्ता है अप्रोच रोड वो खराब है, कीचड़ है उसमें, थोड़ा जो उधर से गाय भैंस निकलती हैं उनसे बारिश के मौसम की वजह से ज़्यादा गंदा हो गया है, तो बच्चे स्लिप स्लिप हो रहे हैं। तो व्यवस्था की गई है, जैसे भी मशीन आ रही है वो साफ कर देगी और ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। किस तरीके से बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है? सब तरह से तो समझाने की कोशिश की जा रही है, डांट ले डांट के समझा के, लेकिन अब जिला प्रशासन से वो डिमांड कर रहे हैं, तो सब तरह से समझाया गया, मान जाएंगे, नहीं करना चाहिए इनको, पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है, सब तरह से समझाया गया, लेकिन अब थोड़ी देर में समझ जाएंगे। वैसे बच्चे ऐसा नहीं है, पर्चे दे हैं, मैं प्रिंसिपल हूँ सिंबेटिक कॉलेज का। नाम बता दीजिए सर। अजय खरे नाम है यार मेरा।